हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज हम लोग थैंक गॉड और राम सेतु का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ये मूवी 100% ये मूवी फ्लॉप होने वाली है दोनों। तो पहले इसके बॉक्स ऑफिस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद इसको बात करेंगे कि ये मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी। हालांकि 99% तो चांस हो चुकी है कि ये मूवी फ्लॉप होगी, लेकिन देखते हैं और आगे किस हिसाब से चलता है ये दोनों मूवी। सबसे पहले थैंक गॉड का बात करते हैं कि इसका कलेक्शन अभी तक कितना हुआ है और किस पोजीशन में ये मूवी जा रहा है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन ए टू जेड आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक गॉड का बात करें तो फर्स्ट डे का उसका कलेक्शन था 8.10 करोड़, सेकेंड डे 6 करोड़, थर्ड डे 4.15 करोड़ और फोर्थ डे यानी कि चारवा दिन 3.30 करोड़, यानी कि टोटल थैंक गॉड का हो जाता है आपको 21.55 करोड़, यानी कि 21 करोड़ 55 लाख ओनली इंडिया का कलेक्शन 4 दिन में। अब देखते हैं फ्राइडे का तो बहुत 3.30 करोड़ आया हुआ था और इस मूवी का सैटरडे का और संडे का थोड़ा बहुत भागेगी और उसके बाद से ये मूवी कहानी खलास, ये मूवी चलने वाली नहीं है और ये मूवी किसी को शायद पसंद नहीं आ रही है। इसके लिए पब्लिक एकदम इस मूवी से नाराज़ हैं और ये मूवी देख नहीं रहे हैं। अब यहीं भी बात करते हैं राम सेतु, क्या वो भी अच्छा जा रही है? तो नहीं, वो भी अच्छा नहीं जा रही है। हाँ, इससे अच्छा कलेक्शन ला रही है लेकिन अच्छा नहीं जा रही है भाई। वो तेलुगु तमिल में भी आया हुआ है और हिंदी में भी आया हुआ है, तो थोड़ा उसका कलेक्शन बढ़ेगा क्योंकि थैंक गॉड का बस एक ही हिंदी लैंग्वेज है। तो इसके लिए राम सेतु का बात करें तो फर्स्ट डे का कलेक्शन था वो था 15 करोड़ 25 लाख और वही बात करें सेकेंड डे का तो 11.40 करोड़ और वही बात करें थर्ड डे का तो 8.75 करोड़, वही बात करें चारवा दिन का तो 6.05 करोड़, यानी कि 6 करोड़ आपको 5 लाख का कलेक्शन हुआ था। अगर वही टोटल इसका कलेक्शन जोड़ लें तो 41.45 करोड़ है, यानी कि 41 करोड़ 55 लाख का इसका कलेक्शन 4 दिनों में किया हुआ है। तो आज और संडे ये दोनों दिन में ये नेट कलेक्शन है भाई, ग्रोस नहीं है। ग्रोस थोड़ा सा ज़्यादा होगा दोनों का, नेट कलेक्शन ये है। अब ग्रोस का बात करें तो मान लीजिए राम सेतु का 48 या 50 करोड़ का आएगा। तो 4 दिनों में फर्स्ट में इतना कलेक्शन किया तो एक हफ्ता में भी इतना कलेक्शन नहीं कर सकती है, तो 100 करोड़ भी जाना इस मूवी के लिए मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बताइए। दोनों मूवी फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि 2 दिन के बाद में ये एकदम 100% डिक्लेयर हो जाएगी, तो ये दोनों मूवी फ्लॉप हो चुकी है सैटरडे और संडे के बाद में। तो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पे एक से बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू हो, रिएक्शन हो, वेब सीरीज हो या जो कुछ भी हो, आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, कुछ भी अपडेट रहेगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।